जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट में तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सीजन 2024 के लिए मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर के आऊंगा और उसमें काफी बढ़िया तरीके से आप लोगों की मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा तो जी हाँ बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं हम आप लोगों के समक्ष में पहले प्रैक्टिस सेट यानी पहले मॉक टेस्ट के साथ में ठीक है मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं तो ये जो मॉक टेस्ट मैंने सेट किया है ये मैंने कैसे किया है क्या सोच करके किया है क्या इसका प्रभाव होने वाला है कौन सी बातों को आपको मन में लेकर के चलना है और कौन सी बातों को इग्नोर करना है तो देखिए 2024 में काफ़ी सारी परीक्षाएं हुई जिसके अंदर में आपका सी एच एस एल था सी जल था मतलब सी पी ओ था सी जल तो खैर पिछले साल का था सी पी ओ हो गया सिलेक्शन पोस्ट हो गया और जितने भी टी सी एस के द्वारा पेपर कंडक्ट हुए तो उनका मैंने हार्डेस्ट टू ईज कंपाइलेशन करवाया और वो मैंने नहीं करवाया हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है जो उसको कंपाइल कर देता है और वो किस आधार पर करता है तो जैसे मानो एग्जांपल के तौर पे ये आपका पेपर हुआ ठीक है जैसे सपोज करो CHSL का ये पेपर हुआ इसमें देखो दो परसेंट बच्चे आंसर राइट किए जैसे आप लोग अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट देते हो तो वहां पर लिखा जाता है कितने परसेंट बच्चों ने आंसर सही दिया उसी तरीके से ये सारा का सारा इसमें थ्री पॉइंट सेवन परसेंट बच्चों ने आंसर सही दिया तो हमने क्या किया कि वो सारे क्वेश्चन हमने पिकअप किए क्योंकि देखिए जो मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारा का सारा दिन क्या मैराथन में पढ़ा चुका हूं लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके भी और मेरे भी रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ तो द बॉक्स आ गया तो क्या करेंगे तो ऐसे जितने भी सवाल हमारे थे जिनमें एक परसेंट दो परसेंट मतलब यहाँ पर यह समझ लीजिए कि कोई शिफ्ट में पांच लाख बच्चा बैठा है लेकिन मात्र उसका एक परसेंट बच्चा ही सही उत्तर दे पाया बाकी नहीं दे पाए तो ऐसे सवालों को हमने कंपाइल करके आपके लिए मोकटिस तैयार कर दिया है और ऐसे मैंने चार पांच मॉक तैयार कर दिए हैं और रोज के रोज रोज सुबह नौ बजे एक मॉक टेस्ट मैं आपको देते रहूंगा अब डिस्क्लेमर मेरी तरफ से यहाँ पर यह है कि इनको बहुत ज्यादा भी सीरियसली नहीं ले लेना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफी सेलेक्टिव है और ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी बाहर से आ गया ना तो हमारे बच्चे पूरे के पूरे, पूरे, पूरे पचास में पचास नंबर लाकर लेकर के आ पाए ठीक है तो ऐसा नहीं आ रही रे ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या सर पहले ही आप लोग कमेंट बॉक्स करना शुरू कर दो सर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या सर ऐसे हो गया तो हमारा तो होगा नहीं सब बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर में पूर्ण विश्वास रख करके जाओ अगर ऐसा आ जाता है तो सिकंदर आप ही हो गए इसी वजह से मैं आपको ये सारे सेट करा रहा हूं बाकी पहले सेट के जैसे रिव्यू रहे जैसे कमेंट रहे जैसे आप लोगों का रेस्पॉन्स रहा उसके आधार पर मैं पक्का सेकंड सेट कराऊंगा और उसी के आधार पर सेकेंड सेट बनाऊंगा भी ठीक है तो आइए चलिए मेरे भाई शुभारंभ करते हैं ये हमारे प्रैक्टिस सेट का जो लोग है या पुराने हैं या जैसे भी हैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए

ले लेते तो आपकी चीजें कितनी आसान हो जाती जरा आप सोचिए यानी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के पास में क्या है तो एक व्यक्ति के पास में ग्यारह रुपए है और वो हर महीने पांच रुपया मेरे भाई जोड़ रहा है तो यानी एक महीने में पांच रुपया जोड़ रहा है तो टी महीने में इतना जोड़ेगा मेरे भाई ठीक है दूसरे व्यक्ति के पास में साठ रुपए है लेकिन हर महीने वो दो रुपए कम कर रहा है तो टी महीने में वो इतना कम करेगा एक समय के बाद में दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं तो हमने बराबर कर दिया पांच में दो जोड़ोगे तो ये तुम्हारा टी हो गया गया के बराबर सीधा सीधा टी का मान आ यानी आफ्टर वीक्स वो क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं लेकिन बच्चे चूंकि घबरा जाते हैं इसी वजह से उसका आंसर वो लोग गलत दे दिए आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो क्या कहा गया जरा पढ़िए द लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट

लेकिन इसके अंदर में कोई दम नहीं है यदि आप इस क्वेश्चन को तरीके से थोड़ा सा पढ़ लेते इस क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा पढ़ो इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि रमन्ना कोई वस्तु को खरीद रहा होता है एक सर्टेन कीमत के ऊपर में ही परचेज रॉ मटेरियल एट अ सर्टेन प्राइस ठीक है उस रॉ मटेरियल का यहां पर जो है साढ़े बाईस परसेंट बेकार हो जाता है यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वेस्ट हो जाता है जो बाकी का हमारा परसेंटेज साढ़े मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट के तौर पे जोड़ दिया जाता है ठीक है फिर क्वेश्चन में कहा गया कि अगर रमन्ना मेरे भाई यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ओवरऑल ट्वेंटी परसेंट के प्रॉफिट के पास में बेच पाया और बीस परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद में तो हाउ मेनी टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज वॉज द मार्केट ऑफ प्रोडक्ट मेरे भाई तो सिंपल सी बात है ऐसे मान करके चलो कि रॉ मटेरियल का जो उसका मेरे भाई यहां पर कॉस्ट है ना वो ऐसे मान लेते हैं सौ रुपए का उसका कॉस्ट है सौ रुपए में रमन्ना ने साढ़े बाईस परसेंट मेरे भाई यहाँ पर वेस्ट हो गया उसका बेचारे का तो यहाँ पर यह पूरा पूरा वेस्ट इंग्लिश में पढ़ लीजिए रमनाज रॉ मटेरियल एट अ तो सर्टेन प्राइस मटीरियल सौ रुपए हो गया इसका इतना वेस्ट हो गया तो बचा कितना तो मेरे भाई यहाँ पर साढ़े सतहत्तर बच गया है ठीक है फिर यहाँ पर कहा गया एटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज जो कि बचा हुआ है हिंदी में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का अस्सी परसेंट यानी यहाँ पर इसका कितना मेरे भाई अस्सी परसेंट अब इसका अस्सी परसेंट का मतलब यहाँ पर इसका आठ बटे दस और इसका आठ बटे दस कितना होगा भाई बताओ जल्दी से कितना होगा तो बोलेंगे सर बासठ आप यहाँ पर ले जाओ जीरो ले जाओ मेरे भाई कैलकुलेट कर लो साढ़े सतहत्तर का यहाँ पर जो है आप आठ बटे दस आठ पचास चालीस आठ सत छप्पन छप्पन और मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई छप्पन और चार साठ हो जाएगा छः आठ सत छप्पन और छह बासठ हो जाएगा तो कुल मिलाकर के सिक्सटी आपका आने वाला है तो इसका 80 परसेंट आपका कितना आ जाएगा 62 यानी इतना रुपया क्या लगेगा तो और लगेगा और क्यों लगेगा मेरे भाई तो क्वेश्चन में कहा गया इतना ऑफ द कॉस्ट मटेरियल वाज यूज्ड एज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ठीक है तो ये मैन्युफैक्चरिंग की कीमत उसकी लगने वाली है तो अब कुल मिलाकर के उसका कितना रुपया अपने जेब से लग चुका है यानी उसका अपना सीपी कितना लग चुका है तो मैं एक व्यक्ति हूँ रॉ मटेरियल इतने का खरीद के लाता हूँ की कीमत इतनी होती है तो सौ में बासठ जोड़ दूंगा तो मेरा सीपी कितना निकल करके आ जाएगा एक सौ बासठ निकल करके आ जाएगा समझ गए मेरी बात को लेकर के अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया तो बोला गया अगर रमन्ना अपने प्रोडक्ट को ओवरऑल ट्वेंटी के प्रॉफिट पर बेचते है और वो भी 20% परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद में समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के तो यहां बड़ा प्यारा आप रेशियो लेकर के आ सकते हैं आप यहां बोल सकते हैं कि सर देखिए समझिएगा मेरी बात को जो हम रेशियो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं पहली बात यहां 20 परसेंट का उसने प्रॉफिट दिया है तो 20 परसेंट का प्रॉफिट दिया है तो मतलब जो भी आर्टिकल है उसको अपने आपके तीन बटे दो में बेचा है तो मैं चाहता हूं यहां पर ना कि आप एक तरीके से सीधा सीधा कहां पहुंच जाओ मार्केट प्राइस के ऊपर में तो ऐसे समझ लो कि ये आपका मार्केट प्राइस था इस पर रमन्ना ने क्या किया था तो बीस का डिस्काउंट दे दिया था यानी इसको इसके चार साढ़े पांच पे बेचा था तो क्या निकल करके आ जाएगा सेलिंग प्राइस और वो सेलिंग प्राइस जो है वो बीस परसेंट के प्रॉफिट लेने के बाद में है मतलब यहां पर वो छह की वैल्यू है तो हम पांच से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा सीपी यानी एक सौ निकल जाएगा तो मार्केट में डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया सेलिंग प्राइस को रिवर्स मार दिया तो सीपी निकल करके आ गया है चार से देखिए यहाँ पर ये यह आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा दो से अगर आप काटोगे दो बार में दो से आप काटोगे तीन बार में दो से आप काट लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के इक्यासी बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई थ्री फोर्टी थ्री 3 से आपका हो गया आठ तिर के चौबीस तो मेरे तो भाई टू फोर्टी थ्री हो जाएगा आपका ठीक है अब मार्केट प्राइस आपका कितना हो चुका है तो टू फोर्टी थ्री क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया तो बोला गया हाउ मेनी टाइम द टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज मार्केट प्राइस यानी रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा था उसका ये कितना गुना है तो सौ का ये कितना गुना है तो बोलेंगे टू पॉइंट फोर थ्री टाइम्स समझ गए तो बड़ी आसानी से बड़े प्यार भाव से आप इस सवाल को बना पाए और ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप इस सवाल में जो नहीं बना पाते ठीक है अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर ये यह डी का सवाल है इस डी के सवाल में अगर आप देखोगे तो मैं पहले बच्चों का अटेम्प्ट रेट दिखाता हूँ मात्र चार दशमलव सात पांच परसेंट बच्चे इसे पेपर में सही करके आ पाए और ये सी एच एस एल का क्वेश्चन है बताइए जब आप इस डी को पढ़ोगे तो यहाँ पर एक कंपनी का टर्न दिया गया है और यहाँ पर उसमें उसका प्रॉफिट का परसेंट दिया गया है और जो क्वेश्चन में पूछा गया वो ये कि व्हाट इज द शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट एंजॉय बाई ए एंड डी टूगेदर मतलब टोटल प्रॉफिट में ए और ई का जो शेयर है वो कितना बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है एक को प्रॉफिट हुआ है तीस लाख का और उसमें उसका शेयर पच्चीस परसेंट है तो तीस लाख का पच्चीस परसेंट मतलब एक चौथाई जो कि होगा मेरे भाई कितने के बराबर साढ़े सात के बराबर समझ में आ गया बात यहाँ पर तीस के आधे का आधा यानी साढ़े सात हो गया फिर बी की अगर हम बात करें साढ़े सात परसेंट है तो साढ़े सात परसेंट मतलब यहां पर 40 का साढ़े सात परसेंट कितना होता है? तीन होता है यहां पर पर का मेरे भाई जो तो साढ़े सात परसेंट तीन होगा सी की अगर हम बात करें तो बीस का बीस परसेंट यानी हो जाएगा चार भाई उसके बाद अगर हम डी की बात करते हैं तो डी हमारा कितना है तो पचास है और पचास का कितना मेरे भाई तो साढ़े सात पचास का साढ़े सात कितना सौ का साढ़े सात साढ़े सात होता है साढ़े सात का आधा यानी थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो यहाँ पर आप ये लिख दोगे ठीक है और ई की अगर हम बात करते हैं तो साठ का पच्चीस परसेंट यानी कितना हो जाएगा हो जाएगा तो बेसिकली यहां पर जो है आपको ए और ई ए का प्रॉफिट मिला? ए ए मिला तो बोलोगे सात पांच बारह यहाँ पर लगभग तैतीस पॉइंट आपका टू आ जाएगा ठीक है भाई अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा पूरा मामला खत्म है इसका लगभग सात तिर के इक्कीस परसेंट के करीब में बात बन रही है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अप्रोक्सिमेशन आपके सवालों को मेरे भाई बना देगा क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे तो इनटू हंड्रेड करोगे इतना भाई इतना इनटू हंड्रेड करना तुम्हारा सत्तर के करीब में आंसर आ जाएगा आ जो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला सवाल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये हमसे कहा गया है इन एन ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल ए बी सी देंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ए बी इज फिफ्टी वन ऑफ द अदर टू साइड इज फोर्टी टू द एरिया हमारा इतना है तो मेरे भाई थर्ड साइड कितना होगा मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ना मेरा क्या है तो ये हमारा जो हो गया भैया एक ऑप्टिउज एंगल ट्राइंगल हो गया ये हमने ए बी को बना दिया ए बी की वैल्यू इन्होंने कही कि तुम्हारा पचास है उसके बाद में बोला गया है एंड द वन ऑफ द अदर टू साइड वन ऑफ द अदर टू साइड मतलब यहाँ पर एक भुजा का मान हमारा कितना है तो बयालीस है और पूरा एरिया हमारा दो भी दे चौरान है तो जैसा कि कि आपको यहां पर पता है कि जो है, जो हाइट होती वो मेरे भाई कहां पर होती है बाहर में बट किसी बच्चे को मानो नहीं पता तो नहीं पता तो वो यहाँ पर क्या करेगा तो हमने बचपन से एक ही बात रट रखा है और क्या रट रखा है कि हाफ इंटू उसके बाद में यहाँ पर बेस इंटू जो हाइट होगा ये बराबर होगा हमारे कितने के तो ये हमारा बराबर होगा 294 के अगर हम दो से काटते हैं तो ये इक्कीस बार में कटेगा और 21 से काटेंगे तो 21 और चार बार में यानी हाइट हमारा कितना होगा चौदह लेकिन ये जो हाइट होती है ये तो बाहर होती है ना यार ऑप्टूज एंगल ट्रेंगल का जो हाइट होता है वो कहाँ होता है तो बाहर होता है तो बाहर होता है तो, तो यहां पर हाइट बनाओ ये तुम्हारा मेरे भाई चौदह है अब अगर देख पा रहे हो तो ये ट्रेंगल सात चौबीस पच्चीस का मेरे भाई ट्रिपलेट बन गया सात का डबल चौदह 25 का डबल 50 तो 24 का डबल 48 48 में ये मेरे भाई 42 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और क्वेश्चन में यही कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड तो थर्ड साइड की वैल्यू पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर तो आप यहाँ देखो ये वाला मेरे भाई थर्ड साइड का लेंथ पूछा गया है, ये वाला थर्ड साइड का लेंथ तो अगर आप बोलोगे तो बयालीस है तो ये छ हो जाएगा ये थर्ड साइड कैसे निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ दो यानी चौदह का स्क्वायर वन और छत्तीस का मतलब ये छत्तीस हो जाएगा भाई चार तुम्हें देगा तो दो हो जाएगा अब यहां पर देखोगे तो दो सौ बत्तीस को अगर आप मेरे भाई भाग कर रहे हो किसके साथ में तो यहाँ पर देख लीजिए दो सौ बत्तीस को अगर आप भाग करो चार तो चार पचे अंठावन यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर इंटू फिफ्टी एट आएगा जो कि फोर का रूट करोगे तो दो मिल जाएगा और एट हमारा आंसर होगा। की बात करते हैं, जिसकी कीमत चालीस हजार है शॉपकीपर कहता है ठीक है तुम खरीद लो स्कूटी पच्चीस हजार रुपए की मुझे डाउन पेमेंट कर देना चार हजार रुपए की चार किस्ते भर देना तो बता दो रेट कितना होगा डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन है रेशियो हमेशा लेते हैं तीन जीरो जीरो और तीन जीरो खत्म यानी आसान भाषा में बोलू तो स्कूटी कितने की थी तो स्कूटी हमारी चालीस रुपए की थी इन मैडम ने जो पेमेंट की है वो कितने की की है पचीस रुपए की डाउन पेमेंट की है और चार रुपए के चार इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए हैं मतलब इकतालीस रुपए तो इतने रुपए के लिए इतना रुपया पेमेंट किया तो ब्याज कितना मिला इनको तो आप ऐसे मान करके चलो कि ब्याज इन्होंने जो दिया है वो एक रुपये का ब्याज इन्होंने दिया है इकतालीस में से चालीस घटा दो तो एक रुपये का ब्याज दिया है और ब्याज कितने कितने के ऊपर में बना तो सबसे पहली बात आप ये मान करके चलिए कि चालीस रुपए के आर्टिकल में पच्चीस रुपए तो तत्काल प्रभाव में उन्होंने दे दिया था पंद्रह रुपये बचे हुए थे तो जो पहला ब्याज लगा होगा वो कितने पर पंद्रह रुपए पर फिर चार रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी तो ग्यारह पर फिर चार की इंस्टॉलमेंट दे दी तो सात पे फिर चार की इंस्टॉलमेंट दे दी तो इतने पे सारे प्रिंसिपल को जोड़ दो तो पंद्रह तीन अठारह और अठारह छत्तीस यानी आप बोलोगे सर ऐसा बराबर Into R into T 100. P हमारा कितना है तो छत्तीस है रेट का पता किसी को है नहीं टाइम हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट है तो एक बार बारह ही लगेगा और ये हमारा कितना हो जाएगा तो सौ इसे अगर आप काटोगे तीन बार में कुल मिलाकर के सौ बटे तीन हमारा रेट आ जाएगा जो कि हमारा तैतीस परसेंट के करीब में होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा तो कभी भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आए मैंने हमेशा बैच में बताया हुआ है रेशियो लेकर के बनाओ जल्दी तुम्हारा बनेगा भाई अगला सवाल देखो मिति क्या है और यहां पर क्वेश्चन में ये कहा गया, इसका सरफेस एरिया जो है वो एक क्यूब के सरफेस एरिया के बराबर है तो ये बता दो वॉल्यूम हमारा क्यूबोर्ड का कितना होगा समझ गए बात को लेकर अब उसका सर्फेस एरिया इसके सर्फेस एरिया के बराबर है तो क्यूबोर्ड का सर्फेस एरिया मेरे भाई कितना होता है तो दो इंटू तीन इंटू चार मेरे भाई बारह उसके बाद तो मतलब तो तो क्यूब, तो क्यूब स्क्वायर हो जाता है आप देखो तो बीस और पंद्रह पैतीस पैंतीस और बारह कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर दो इंटू सैतालीस ठीक है पैंतीस और बारह कितना हो जाएगा दो इंटू एक्स स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई दो सौ सोलह के बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आनी है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आएगी तो बोलोगे सर 216 सो और बट्टे में सात इंटू दो चौदह चार दो नहीं आठ और एक मेरे भाई नौ नाइनटी फोर हालांकि दो से अगर आप काटते तो आपका यहीं पर 108 बार में कट जाता क्या इसके अलावा और आप किसी से काट पाते ये बताओ 108 आ रहा है आपका क्या और किसी से आप काट पाते सरफेस एरिया जो है आपका वहीं छ का स्क्वायर ही है और हमने यहां पर दो इंटू तीन हमारा देखो ये बारह चार ती बारह पांच हो के बीस है पांच पंद्रह है पैंतीस और बारह सैतालीस हो गया कोई दिक्कत नहीं तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आनी है वो एक सौ आठ और बट्टे में कितना आना है भाई सैंतालीस आना है ये हमारा आ चुका है लगभग अगर आप देखोगे तो सैतालीस का ये डाइगोन एस स्क्वायर की वैल्यू इतनी है अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम तो यहाँ पर ये यह हमसे वॉल्यूम पूछा गया वॉल्यूम की जब बात आती है तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा तो वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच पांच हो के बीस साठ तो साठ हमारा एक्स क्यूब हो जाना है साठ एक्स क्यूब का मतलब यहां पर यह कितना होगा तो बोलोगे सर साठ इंटू एक्स का क्यूब अब ये हमारा कितनी बार में आपको काटेगा नियर अबाउट जरा देखिए तो बोलेंगे सर अप्रोक्सीमेट तो भी लेकर के जाऊ पर ये, मतलब मतलब ये डेढ़ गुना है ऐसे मान करके चलता हूं मैं मान लो यहाँ पे ठीक है कि पूरा पूरा एक्स सॉल्व करने पे, यहां पर पूरा का पूरा मेरे भाई जो एक्स है अगर उस एक्स को सॉल्व करता हूं तो वन पॉइंट फाइव का मतलब थ्री बाई टू आ जाएगा ठीक है तो तो आ जाएगा तो यहां पर बारह चार सोलह सोलह सौ बीस बटे में आठ आपका आ गया है तो आप यहां बोलोगे सर आठ दूनी सोलह मतलब यहां पर आपका दो सौ दस के करीब में आपका ये जाएगा ठीक है ये हमारा हो गया मेरे भाई आठ आठ दूनी सोलह सोलह सौ ठीक है आठ दूनी सोलह बिल्कुल दो सौ दस के करीब में ये हमारा जाना है तो आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है ये फॉर मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आएगा अब आप बोलोगे सर दो सौ दस तो करीब में आ ही नहीं रहा है देखो असल में जो वैल्यू आएगी ना ये वन पॉइंट फाइव नहीं थोड़ा सा उससे ज्यादा आएगा अप्रोक्सीमेशन का खेल है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है जैसे आप सैंतालीस इसे काटोगे तो ये मेरे भाई आपका लगभग लगभग जैसे ऐसे मान के चलो ये सैतालीस का दो गुना चौरानवे होता है तो आपका बारह बारह मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा में काटेगा थ्री पॉइंट टू से भी ये ज्यादा होगा थ्री बाई टू से भी ज्यादा होगा तो यहां पर सत्ताईस थोड़ा सा ज्यादा होगा तो जब आप इसे काटोगे तो वहां पर सोलह सौ सो अस्सी के अप्रोक्स में आपका आएगा दो सौ दस आपका आंसर होगा ये क्वेश्चन महावाहियात आप इसे कह सकते हैं इसमें तुक्का लगा सकते थे बट एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में आप इसे नहीं जा सकते थे आप ये मानिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला सवाल यहाँ पर क्या है और ये आपका रेस

सवाल में कहा गया कि ये तीन किलोमीटर का रेस भाग रहा है मतलब अगला बंदा तीन हजार मीटर भाग रहा है और उसके बाद में भास्कर को चार सौ मीटर का स्टार्ट देता है तो इससे चार सौ ये कम भाग रहा है यानी यहाँ पर छब्बीस सौ भाग रहा है और उसके बाद में इसको तीस सेकंड से हरा देता है तो अगर इसे टी लग रहा है ना तो तीस सेकंड का मतलब ये देखो टी लग रहा है तो मेरे भाई तीस सेकंड का मतलब आप ऐसे मान के चलो हालांकि टी ना मान करके अभी इसको सिक्सटी मानो बाद में बताऊंगा क्यों ठीक है तो जितना भी इससे समय लग रहा है उससे तीस सेकंड ज्यादा मतलब आधा मिनट ज्यादा तो आप बोलोगे सिक्सटी प्लस कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा

का लीड दिया इसने तो जो भी इसका समय है उससे यहाँ पर के लिए कितना लगेगा? 500 से बार में, और पांच सौ से काटोगे पांच बार में तो छह के लिए टी लगा है तो पांच के लिए कितना लगेगा तो पांच टी लगेगा इसीलिए मैंने यहाँ पर सिक्सटी पहले ही मान लिया था समझ गया बात को लेकर अब क्वेश्चन में कहा गया इससे ढाई मिनट ज्यादा इससे का मतलब कितना लगना है? तो दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं बराबर तो अगर हम दोनों के स्पीड को बराबर करेंगे तो आप यहाँ पर इस बात को समझिए क्वेश्चन में, में मेरे भाई बराबर करने स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये हमारा हो जाएगा 2600 सौ बट्टे में कितना हो जाएगा सिक्स टी प्लस यहाँ जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा भाई और यहां पर अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा तो ये हमारा टाइम हो जाएगा आप अगर देखते हैं यहां पर तो बड़ा बढ़िया तरीके से देखिए इसे हम काट सकते हैं दो से हम इसे तेरह बार में काट सकते हैं और इसे पंद्रह बार में अगर हम पाँच से काटने पर आ जाएँ तो पाँच से हम टी बार में और ये जीरो पॉइंट फाइव बार में और पाँच से अगर हम इसे काटने पर आ जाएँ तो तीन बार में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए कोई दिक्कत नहीं है तेरह से अगर आप मारेंगे तो तेरह टी और तेरह का आधा साढ़े छः होता है और अगर आप वहां करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा ये हमारा अठारह टी और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई डेढ़ अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर साढ़े छः में से ये गया तो आपका पाँच आना है और अठारह में से तेरह गया तो भी आपका कितना आना है तो सर पाँच आना है तो टी की वैल्यू बेसिकली हमारा एक मिनट हो जाएगा अब टी का वैल्यू एक मिनट हो जाएगा तो उसी रेस को भागने में दोनों के बीच के समय का अंतर बताना है तो यहाँ पर अगर मानो वही रेस हमारा अरुण भाग रहा है अरुण तो यहाँ टी की वैल्यू सिक्स इंटू कितना मिनट लेगा छः और वहीं भास्कर भाग रहा है तीन मीटर तो यहाँ पाँच और दो मेरे भाई कितना लेगा साढ़े

तो यहाँ पर पांच देखो छ में और साढ़े सात में अंतर कितने का है डेढ़ मिनट का है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा ऐसे ऐसे सवालों में बच्चे गलती कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है मैंने पढ़ा रखा है बहुत तरीके से यूट्यूब के ऊपर में भी पूरी की तीन घंटे की वीडियो डाली है अगर उन्होंने देखा होता तो गलती नहीं होती आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा प्यारा सवाल है क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति यहाँ पर मिरर के रिफ्लेक्शन में देखो रिफ्लेक्शन देख रहा है किसका तो एक लैम्प पोस्ट का और वो भी कहां पे तो

Thank <laughs> you. ठीक है उसके बाद में बोला गया यहाँ पर कि ये जो मिरर है वो कितना मीटर दूर है तो बोलोगे सर ये 6.6 मीटर की दूरी पर है और कहां से है तो लैम्पो से है उसके बाद में मैन की हाइट बताई गई है कि मैन की हाइट 1.25 है दोस्त पर उसके बाद में मैन दो मीटर दूर है यहां पर मिरर से कितना मीटर की दूर है तो दो मीटर की दूरी के ऊपर में है क्वेश्चन में साथ में ये भी कहा गया है कि सारे के सारे जो है वो एक ही लाइन में है तो इसकी लंबाई बताओ कितना होगा सिमिलैरिटी लगा दो सिमिलैरिटी कैसे लगाओगे आगे जा करके तो ये मिलेगा ही मिलेगा ना ये दोनों टुकड़ों का अनुपात ये, दोनों टुकड़ों का अनुपात ये, इनका अनुपात वाला सारा केस बनता है तो केस बनता है तो आप यहां पर क्या बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये यह देखो यहां पर छोटा और यहाँ पर देखो छोटे वाले का कितना गुना बड़ा वाला हुआ है तो इसका 3.3 टाइम हुआ है तो इसका भी ये कितना गुना होगा तो 3.3 टाइम होगा यानी 1.25 का मेरे भाई 3.3 होगा इसका 3.3 टाइम्स हुआ है तो इसका भी 3.3 टाइम होगा अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट 4.2 के करीब में आएगा जो कि ऑप्शन नंबर होगा मेरे भाई फोर मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है मल्टीप्लाई करोगे 125 का तीन होना तीन सौ पिछहत्तर तीन सौ पिछहत्तर का पांच आपका सैंतीस पास में और 125 का तीन होना मेरे भाई तीन आ गया तो सात पांच बारह और सात तीन दशक के ग्यारह और यहाँ पर यह हो गया फोर्टी तो फोर्टी मतलब वही हो गया फोर तो ये 4.125 को आप कौन सा ऑप्शन में घोषित करोगे 4.125 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही तो आएगा समझ गए ध्यान रखना है थोड़ा सा आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया बोला गया देखिए दो लोगों के बीच में भी मैंने ऑफलाइन में हाल फिलहाल जब परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को करा है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है समझिएगा सवाल में ये बोला गया है कि दो लोगों के बीच में चुनाव होता है ए और बी में हर पांचवा वोट जो है वो बेकार चला जाता है मशीन उसको इनवैलिड बता देती है बाकी जो वोट है उसमें यहाँ पर ए मार्जिन 2500 वोटों से जीत जाता है या फिर 2500 या फिर मेरे भाई 10 परसेंट ऑफ टोटल वोट पोल्ड तो एक ही सवाल के अंदर में दो बातें हैं कि ये 2500 ही 10 परसेंट का काम कर रही है अगर 2500 10 परसेंट का काम कर रही है तो इसका मतलब पूरा वोट जो हुआ है वो मेरे भाई कितने का हुआ है पच्चीस हज़ार है टोटल वोट यहाँ पे अब उसके बाद ये पच्चीस हज़ार में से ऐसे मान करके चलो कि बीस परसेंट वोट हमारा बेकार चला गया बीस परसेंट वोट का मतलब यहाँ पर ये यह मान लीजिए इसका बीस परसेंट यानी पाँच हज़ार वोट जो है वो हमारा बेकार गया किसी के हिस्से में नहीं और जो बाकी वोट हमारे हो गए यानी बीस वोट हो गए इसमें से दो लोगों में बटा है अब ये दो लोगों में बटा यानी ये हमारा कितने का वैल्यू है तो ये हमारा ए प्लस का वैल्यू है बट क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि ए इलेक्शन को यहाँ पर 2500 के मार्जिन से जीत जाता है यानी अगर हम बात करें तो ए में से बी घटाने पर भाई 2500 आ रहा है यहाँ पर अब मैंने हजार बार आपको बता रखा है ए की वोटों की संख्या निकालनी है तो जोड़ करके आधा कर दो तो 22500 का आधा कितना हो जाएगा ग्यारह ठीक है और इसमें से ग्यारह घटाओगे तो बी का मान कितना आएगा आठ आ जाएगा ये बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए और बी के वोटों की संख्या निकल गई अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ऐसा नहीं होता है और यदि क्या होता है अगर 90% परसेंट इनवैलिड वोट जो है आप बी को दे देते हो तो यहाँ पर माहौल क्या बदलेगा आप मुझे ये बताओ तो माहौल क्या होगा तो मतलब यहां पर इसका 90 परसेंट कितना होता है तो यहाँ पर साढ़े चार हजार और अगर मैं वो साढ़े चार हजार ला करके इसके खाते में दे देता हूँ तो यहाँ पर मेरे भाई कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर ये बंदा जीतेगा यानी बी हमारा जीत जाएगा अब दो ऑप्शन में बी की जीत बताई गई है लेकिन कितने वोटों से तो यहाँ पर 250 250 खत्म 13000 में से 11000 गया मतलब दो परसेंट और दो परसेंट इसका कितना होगा भाई यहाँ पर दो परसेंट कितना होगा तो पच्चीस सठे दो यानी आठ के करीब तो यहां पर 2000 वोटों से जीता गया और ये जो 2000 है ये 25000 का कितना परसेंट है तो 8 परसेंट है ठीक है तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें हैं और बढ़िया तरीके से समझना है देखिए जैसे अभी आपका प्री का पेपर है प्री के पेपर के बाद में आपका मेंस आएगा लेकिन मैं पहले एक छोटी सी बात बता दूं जो बच्चे पहले से ही श्रोते हैं कि हमारा प्री होना ही होना है तो वो मेंस के लिए बहुत ज्यादा डिले ना करें क्योंकि अगले एक महीने में आपका मेज का पेपर खत्म होगा प्री का पेपर खत्म होगा तब तक मेरे भाई बहुत समय निकल चुका होगा असली योद्धा वो नहीं है जो यहाँ पर प्री के बाद अपनी मेज की तैयारी करेगा असली योद्धा यहाँ पर वो है जिसने अपनी तैयारी को बहुत पहले ही आगाज दे रखा है जो

मैं पहले से ही खत्म करा चुका हूँ और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके काफी अच्छे 160 170 180 एक सौ सत्तर तक प्रीमियम मार्क्स आ रहे हैं ठीक है तो आप भी मेंस में जुड़िए हमारे साथ में एप्लीकेशन जी से और यहां से जाकर के मेंस बैच में इतने में एनरोल करिए और अभी से अपनी तैयारी को आगाज दीजिए ठीक है आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ग्यारह नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला गया जरा सवाल को पढ़िए क्वेश्चन में कहा गया एक शॉपकीपर तीन घड़ियों को बेचता है जो कि अट्ठाईस ईच है सेलिंग प्राइस हमारा ईच हो गया बराबर हो गया एक को 40 के प्रॉफिट पे दूसरे को 25 पे तीसरे को 12 पे प्रॉफिट पे तो ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज क्या रहा दो केस का रहता है तो फॉर्मूला लगा देते हैं ये तो तीन केस का आ गया कैसे करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है चालीस परसेंट का सामान है मतलब सौ रुपए की वस्तु को कही न कहीं ना कहीं एक सौ चालीस में बेचा गया है ये हमारा सीपी पी और यह हमारा एसपी है उसके बाद में यहां पर पच्चीस परसेंट है तो पच्चीस परसेंट का मतलब यहां पर वही बात है आप बोलोगे सर चार के आर्टिकल को कितने में बेचा है आपने तो चार के आर्टिकल को सर आपने जो है वो पांच में बेचा है उसके बाद में नेक्स्ट में कहा गया बारह परसेंट बारह परसेंट मतलब तीन बटे पच्चीस होता है यानी पच्चीस रुपए के आर्टिकल को कितने में बेचा है तो आपने अट्ठाइस रुपए में बेचा है अब चूंकि सभी लोगों का सेलिंग प्राइस हमारे

और एक है तो तीन गुना मेरे भाई कितना तिरसठ रुपए का तो तो यहाँ पे बीस रुपए का यहाँ पे तिरासी रुपए का आपका बेनिफिट है और इतने का बेनिफिट तीन सौ सैंतीस पे कितना तो आप अगर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो तिरासी सौ बटे हमारा कितना करोगे तीन सौ सैंतीस बोलोगे सौ कहां से आ गया इंटू जो हंड्रेड करते हैं तो वहीं से आया है तो यहाँ पर हमारा ये आ गया अब चूंकि ऑलरेडी देखो मैंने इसको परसेंट में बदल रखा है तो जब इसको भाग करोगे ना तो ये आपका मेरे भाई आपका आ जाएगा लगभग 24.63 में और सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सारे के सारे फर्जी हैं ये डेसिमल को यहां पर आना था और यहाँ पर 24.63 को आप इसको सही करके पिक कर लेना हो सकता है कई सारे बच्चे इसके वजह से भी गलती कर पाए हो ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए अगला सवाल आपका यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए क्वेश्चन में टेन टी और कॉ टी की वैल्यू वन दी गई है और उसके बाद में यहाँ पर इसका मान पूछा है मैं इस क्वेश्चन को बना तो दे रहा हूं लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपने आप में इनसफिशियंट है और ये गलत है क्यों है ऐसा क्योंकि भाई टेन थीटा की वैल्यू और cot थीटा की वैल्यू को जोड़ने पर कभी वन आ ही नहीं सकता हमेशा इससे ज्यादा ज्यादा आएगा। आएगा और इससे, इससे शुरू में इस क्वेश्चन को गलत है, है, है? है चलो ठीक है लेकिन है तो करेंगे किसको करेंगे ठीक तो यहां पर आप देखो टेन प्लस की वैल्यू होती है मेरे भाई सेक इंटू सेक, मैं हजार बार बता चुका हूँ कि कुछ छोटे छोटे रिजल्ट जो है वो आपको याद होने चाहिए तो मैं टी को थीटा मान लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं तो सेक थीटा इंटू पर थीटा और ये वैल्यू हमारी कितनी है तो वन है अगर यहां पर ये हम बात लेकर लेते कि सर ये वन अपॉन कॉस वन अपॉन साइन है तो वो उधर चला जाएगा तो हम ये भी बोलेंगे कि सर वन बराबर क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू हमारा साइन जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन में आपको साइन प्लस कॉस का मान दिया गया है तो देखिए साइन प्लस का जो वोल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस हमारा दो साइन कॉस होता है साइन प्लस कॉस की वैल्यू जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें निकालना ही है किसका इसका वोल स्क्वायर किसके बराबर में है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यह ऑलरेडी वन होता है साइन कॉस की वैल्यू वन दे रखिये तो ये हमारा टू हो जाएगा यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो साइन प्लस कॉस का जो मान है वो हमारा रूट थ्री हो जाएगा दोनों को उल्टा पलटी कर दो उसको इधर लेकर आ जाओ तो ये वन अपॉन रूट थ्री और इसको उधर लेके चले जाए तो इतना हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा तो हल करने के मायने से यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए बता सकते हैं बट बाकी फैक्चुअली ये डाटा भी नहीं भाई बिल्कुल भी सही नहीं है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया ये सवाल साधारण ब्याज का है और सीपीओ में 2024 में पूछा गया था मात्र इतने बच्चे इसको सही कर पाए थे अब क्वेश्चन में देखो तो कहा गया अब पार्ट ऑफ रुपीज इतना 15 पर नम, को किया गया। मतलब एक टुकड़े को इतने के पर इन्वेस्ट किया गया और उसके दो साल के बाद में दूसरे टुकड़े को इतने पर इन्वेस्ट किया गया है टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे भाई पांच साल की हुई है और उसके बाद में ब्याज का जो अनुपात है वो हमारा पांच और तीन का है तो बताओ पहला वाला टुकड़ा हमारा कितने का था जो कि दस पर पर सॉरी हाउ मच सेकेंड पार्ट सेकंड वाला पार्ट कितने का था मैं आपसे कहता हूं कि देखो ये वाला पार्ट एक साल में पंद्रह परसेंट का ब्याज देता है तो पांच सालों में कितना देगा पचहत्तर परसेंट यानी पहला वाला पैसा अपने प्रिंसिपल का कितना देगा पचहत्तर तो परसेंट का ब्याज देगा दूसरा वाला जो व्यक्ति है मेरे भाई वो अपने प्रिंसिपल का कितना परसेंट ब्याज देगा तो यहाँ पर दो सालों के बाद में वो आया है पांच में से दो कम कर दो यानी तीन साल दस परसेंट के हिसाब से तीन साल यानी तीस परसेंट का ब्याज मेरे भाई वो देने वाला है और ये रेशियो जो है वो हमारा कितना है तो बोलोगे सर पांच बटे तीन पंद्रह से काटो पांच बार में और पंद्रह से काटो दो बार में ये तुम्हारा खत्म हो गया दो तो चला जाएगा यानी यहां पर बात करते हैं तो पी अपॉन में पीबी का जो रेशियो आना है वो कितना

आ जी ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन कई बार मैं यूट्यूब पर इसे करा भी चुका हूँ और ये बहुत ही डिबेट वाला क्वेश्चन बन जाता है इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है असल में यहाँ पर क्या एक व्यक्ति है राजेश नाम का हाल फिलहाल उसके पास में पाँच सौ अंडे हैं बीस परसेंट वो बेच देता है ठीक है जैसे मानो शाम को बीस परसेंट बेचता है और फिर सुबह में जो भी उसके पास में है उसका 20 परसेंट ला करके जोड़ देता है फिर बीस परसेंट बेचता है फिर बीस परसेंट ला कर जोड़ देता है फिर बीस परसेंट बेच देता है तो ऐसा तीन बार करने से मतलब बेच वो तीन बार रहा है और ऐड वो दो बार करेगा जैसे मेरे भाई आज सामान है मैंने बेचा फिर मैंने ऐड किया फिर मैंने बेचा फिर मैंने ऐड किया फिर मैं बेचने के बाद में लास्ट में बोला जाता है कि शुरू में मेरे पास में पांच अंडे थे अब मेरे पास में एक अंडे हैं तो बताओ यहां पर मैंने जो ऐड किया है वो मैंने कितना किया है जो मैं ऐड कर रहा हूं वो कितना कर रहा हूं अब इस सवाल को मैं आपको तरीके से समझाता हूं दो दो मेथड से बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है अच्छे अच्छे लोग इसकी मेथड की तलाश कर रहे हैं आप लोग मेरे मेथड को समझिएगा उसके बाद में आपको रियल फील होगा मेरे भाई कि असली गणित होता क्या है ये आपकी वैल्यू है आप इसमें से कितना निकाल रहे हो बीस परसेंट निकाल रहे हो तो यानी आपने सौ निकाल दिया तो चार सौ बच गया अब उसके बाद में वापस से आप इसमें ऐड करते हो फिर बीस परसेंट निकाल देते हो फिर आप ऐड करते हो और फिर बीस परसेंट निकाल देते हो और लास्ट में आपके पास में यहाँ पर इतना आर्टिकल बच जाता है आप अगर गौर से देखोगे ना तो इतना तो समझ करके मेरे भाई चले ही जाओ यहाँ पर आप देखो आपका वैल्यू पांच से बढ़कर के यहाँ पर एक हो गया ठीक है और आप हर बार 20 परसेंट निकाल रहे हो तो अगर 20 निकाल रहे हो तो, 20 तो नहीं ही डालोगे एक्स स्क्ड परसेंट कम मतलब कमी करना होता है तो अगर हम बीस लेंगे ना तो पक्का यहाँ पर आर्टिकल पांच से कम हो जाएगा हजार तो नहीं होगा बीस हो नहीं सकता जब बीस नहीं हो सकता तो दस भी किसी हाल में नहीं हो सकता ठीक है 500 परसेंट का मतलब जानते हो किसी वस्तु को अपने आप का पांच गुना कर देना 500 परसेंट का इंक्रीज कर देना जैसे मानो अगर यहाँ पर 400 है तो 400 का पांच परसेंट मतलब इसका लगभग पांच गुना इसका पांच गुना इसी में ला करके जोड़ दोगे यानी इसको अपना छह गुना बना दोगे तो 2400 हो जाएगा भाई ठीक है फिर वो अपने आप का छह गुना बनेगा तो कितना बड़ा संख्या हो जाएगा जरा सोचना ऐसे सवालों को बनाना थोड़ी होता है तीन ऑप्शन काट दिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी सही हो गया अब आप बोलोगे हम नहीं मानते हैं हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं आप ये समझिए 100 परसेंट इसमें जोड़ रहे हैं तो इसका 100 परसेंट मतलब 400 400 अगर आप इसमें जोड़ेंगे भैया तो आपका कितना कर दीजिए फिर आठ सौ मेंसेंट निकाल दीजिए तो मतलब यहां पर छो आपका बचेगा फिर वापस से मेरे भाई आप इसमें छह में फिर इसका सौ यानी जोड़ दीजिए तो बारह हो जाएगा और बारह में से जब आप इसका बीस परसेंट निकालेंगे तो बीस निकालने के बाद मेंसेंट एक सौ

तीन बार कम कर रहे हैं दो बार बढ़ा रहे हैं तब जाकर के मेरे भाई हमारी वैल्यू आ रही है तो हम इसमें सक्सेसिव कह लीजिए या हम इसमें रेशियो कह लीजिए हम लगा सकते हैं तो जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर दो मेथड्स में बताया था ठीक है एक ऑप्शन से मैंने आपको बता दिया उसके बाद में दूसरा जो है मैं आपको पूरा सीरीज लेकर के मैंने बता दिया ठीक है अब तीसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है तो जरा क्वेश्चन में मैंने आपको जो बताया था वो याद है मैंने कहा था कि यार देखो यहाँ पर आप एक बार जाना तो पहले तीन बार डिक्रीज हुआ है और यहाँ दो बार मेरे भाई इंक्रीज हुआ है तीन बार कोई संख्या डिक्रीज हुई है और दो बार कोई संख्या इंक्रीज हुई है तब जाकर के ये 500 से काम पहुंच पाई ये तीन बार ये वैल्यू हमारी हुई है समझ के बात को लेकर उसके बाद कोई ऐसी संख्या है जो यहां पर दो बार इंक्रीज हुई और यहां पर मेरे भाई दो बार इंक्रीज हुई यहां तीन बार डिक्रीज हुआ और यहां पर दो बार इंक्रीज हुआ और तब जाकर करके 500 की वस्तु हमारी चौबीस में मेरे भाई मिली अब अगर आप बात करते हो यहां पर पांच का क्यूब कितना होता है तो बोलोगे सर पांच का क्यूब हमारा एक सौ पच्चीस होता है मैं यहां पर क्यूब कितना होता है तो बोलोगे सर चौसठ होता है तो हम चौसठ लिख देते हैं ठीक है भाई अब उसके बाद में यहां पर देखो 125 को किससे गुना किया गया कि 125 आ गया तो बोलोगे गुरु जी वन तो यहाँ पर हो जाएगा वन चौसठ को किससे गुना किया गया कि दो आ गया चार ये मेरे भाई वन किसका स्क्वायर है तो वन का और ये चार किसका स्क्वायर है तो दो का यानी यहां पर वन के स्क्वायर से दो का स्क्वायर यानी कोई संख्या डबल हो गई डबल होने का मतलब कितना होता है सौ होता है ठीक है मजा आ रहा होगा उम्मीद करते हैं भाई ये सारे तरीके अगर आप सीखोगे ना तभी जाकर के मेरे भाई बढ़िया नंबर पेपर में ला पाओगे और बढ़िया तरीके से पेपर की खोपड़ी में छेद कर पाओगे आओ चलो अगले सवाल के ऊपर तो बड़ी आसान तरीके से आप ऐसे सवालों को देख सकते हैं और बना सकते हैं आइए चलिए औसत का मेरे भाई अगला सवाल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपको देखना है यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये सवाल को मैं आपको समझा देता हूँ है क्या इसी क्लास में कुछ बच्चे हैं ठीक है अगर मैं एक बच्चे को मेरे भाई उस क्लास में एडमिट करता हूं तो यहाँ पर मेरा जो कहीं ना कहीं वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ थर्टी के जी इज एडेड तो एवरेज मेरे क्लास का एक से बढ़ जाता है और फिर से तीस किलो के एक और बच्चे को मैं लेकर के आता हूँ तो मेरा एवरेज जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर डेढ़ से बढ़ जाता है ओरिजिनल जो है उससे डेढ़ से बढ़ जा रहा है तो बोला गया यहाँ पर बता दो ओरिजिनल एवरेज हमारी क्लास का कितना होगा यानी अगर हम माहौल की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि उस क्लास में जितने भी बच्चे हो नहीं पता है एन बच्चे हैं जैसे मैं यहाँ पर एक बच्चे को बढ़ाता हूं यहाँ पर जैसे मैं एक बच्चे को बढ़ाता हूं तो मानो इनका औसत पहले एक सुबह करता था तो औसत हमारा एक से बढ़ जाता है और इसमें एक और बच्चे को बढ़ाता हूं मेरे भाई यहाँ पर तो मेरा जो औसत होता है वो क्या हो जाता है शुरू वाले में डेढ़ बढ़ जाता है यानी इतना होता है तो अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे ना तो ये जो है मेरे भाई डेटा ये हमारा बीच का डेटा है समझ तो में आ गया बात यहाँ पे और मैं हमेशा बोलता हूं कि एलिगेशन आप वहां पर लगाइए जहां पर दो लोगों को मिला करके कुछ बना गया हो ठीक है यानी ये फर्स्ट केस है सेकंड केस है और ये थर्ड केस है तो सेकंड केस हमेशा कहां में रहता है तो सेकंड केस हमेशा यहां पे रहता है यानी ऐसे मान करके चलो आप ये बोलोगे सर शुरू में हमारा औसत इतना हुआ करता था एक बच्चे के आने के बाद में औसत इतना हो गया और एक और बच्चे के आने के बाद में औसत हमारा इसमें डेढ़ बढ़ गया ना कि इसमें डेढ़ यानी इतना हो गया ठीक है ये एवरेज है ये भी एवरेज है और ये एवरेज है और जब हम एवरेज में एलिगेशन लगाते हैं ना तो हमें यहाँ पर संख्याओं का अनुपात मिलता है आप यहाँ पर डेढ़ में से एक को घटा दीजिए आप समझिए मेरी बात को लेकर के ठीक है आप यहां पर डेढ़ में से एक को घटा दीजिए तो आपको 0.5 मिलेगा और यहां पर इसमें से इसको घटा दीजिए तो एक मिलेगा यानी बेसिकली अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो आप बोलोगे सर पहले एक बच्चे थे अब दो यूनिट हो चुके हैं पहले एक बच्चे थे अब दो यूनिट हो चुके हैं अब यहां से देखो एक्स से एक्स पॉइंट यहां पर यहां तक का सफर है ज़रा देखना यहाँ एक्स से लेकर के एक्स प्लस तो यहां से लेकर के यहां तक के सफर में तुम्हारे कितने बच्चे बढ़ गए हैं दो बच्चे बढ़ गए हैं यहां से लेकर के यहां तक के सफर में दो बच्चे बढ़ गए तो यहां पर बढ़ा कितना है एक यूनिट मेरे भाई और ये कितने बच्चों के बराबर है तो एक यूनिट दो बच्चों के बराबर है और अगर एक यूनिट मेरे भाई दो बच्चों के बराबर है ना तो आप बड़े प्यार से मेरे भाई ये कह सकते हो अगर एक यूनिट दो बच्चों के बराबर है तो यहाँ पर दो बच्चे थे और यहाँ पर कितने बच्चे थे तो चार बच्चे थे यहाँ पर कितने बच्चे थे दो बच्चे यानी शुरू में दो बच्चे थे फिर एक और आया फिर उसके बाद में एक और आया तब जाकर के कितने बच्चे हो गए तो चार बच्चे हो गए ठीक है अब इसी बात को थोड़ा सा देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा होता तो हमारा खेल यहीं पर खत्म था नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पूछा यानी ऐसे मान करके चलो पहले दो बच्चे थे जिनका औसत हमारा एक्स था अब एक 30 किलो का बच्चा आता है तो अब हो जाते हैं तीन बच्चे और औसत हमारा बढ़ जाता है मेरे भाई एक से यानी यहाँ पर इतना हो जाता है मैं आपको एक बात कह रहा हूँ जैसे ये मेरा कमरा है इसमें हम दो लोग बड़े प्यार से मियाँ बीबी खुश है एक बाहर से तीस किलो का व्यक्ति आ रहा है और उसके आने के बाद में मैं मेरी बीवी और उसका तीनों में एक एक किलो का वृद्धि हो जाता है यानी अगर हम बात करें तो वो एक एक किलो को अगर हम साइड कर दें जैसे वो तीस रुपये लेकर के आया जिसमें से तीन रुपये यूटिलाइज हो गए हमें बढ़ाने में एक मुझे देने में एक मेरी बीवी को देने में और एक अपने आप में रखने में तो तीस में से अगर हम तीन निकाल देंगे तो यानी सत्ताईस हम सब लेकर के बैठे हुए थे यानी जो व्यक्ति था उसकी खुद की वैल्यू कितनी थी तो सत्ताईस थी समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे कोई तीस किलो लेकर के आता है जिसमें से तीन रुपए वो बांट दे रहा है तो यानी खुद की वैल्यू कितनी थी तो सत्ताईस ऐसे मान करके चलो हम मूवी देखने गए हम लोग मूवी के गेट पे खड़े हुए हैं हमने फोन किया भैया जल्दी आ जाए रुपया लेकर के तीस रुपया अगला बंदा आया और आने के बाद में यहां पर जो है सारे के सारे एक्स प्लस हो गए यानी वो जो तीन रुपया लेकर के आया था वो बढ़ाने के लिए लेकर के आया था एक मुझे देने के लिए एक मेरी वाइफ को देने के लिए खुद के रखने के लिए तो यानी वो खुद की वैल्यू कितना लेकर के आया एक्स की वैल्यू कितनी थी ट्वेंटी ठीक है तो एक्स की वैल्यू कितनी तो थी तो ट्वेंटी सेवन थी शुरू का औसत हमारा कितना था ट्वेंटी तो सेवन था आओ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोलह नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया बोला गया यहां पर हाउ मेनी फैक्टर ऑफ दिस आर डिविजिबल बाई एट बट नॉट बाई थर्टी सिक्स यानी इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो अठारह से तो कटेंगे छत्तीस से नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं जब भी ऐसी संख्या आती है ना तुरंत यहाँ पर इसको डिवाइड करो 18 से कटना चाहिए तो मतलब 18 से यहाँ पर भाग करेंगे और 18 से कितनी बार में तो 800 बार में अब ये जो 800 है ये हमारा क्या है तो ये हमारा 800 जो है वो दो का पावर यहाँ पर पाँच और पांच का पावर हमारा दो है तो हमने यहाँ पर लिख दिया दो का पावर पाँच इंटू पांच का पावर मेरे भाई दो यहाँ पर ठीक है अब मैंने कहा अठारह से तो कटना चाहिए छत्तीस से नहीं छत्तीस बनाने के लिए हमें दो का अंश चाहिए जैसे दो अपना कोई भी इवन नंबर इसको देगा तुरंत छत्तीस बन जाएगा यानी हम इसको नहीं ले सकते हैं हम इसको नहीं ले सकते तो क्या ले सकते हैं तो ये ले सकते हैं और यहाँ पर ये ले सकते हैं समझ तो में आ गया तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अठारह की मर्जी यहाँ पर वो अठारह मेरे भाई पांच के जीरो पावर के साथ में कोलैबोरेट करे या अठारह मेरे भाई पांच के एक पावर के साथ में कोलैबोरेट करे या अठारह यहाँ पर पांच के दो पावर के साथ में कोलैबोरेट करे यानी कितनी संभावना बन सकती है तो तीन संभावना बन सकती है समझ तो में आ गया बात यहाँ पर सिर्फ चौदह परसेंट ही बच्चे इसका उत्तर सही देकर के आए आइए अगला सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हो देखो यहाँ पे बोला गया यहाँ पर कि इफ अ सर्कल हु टच इज द लाइन इतना दो रेडियस हमारा कितना होगा सिंपल सिंपल हमारा फॉर्मूला होता है ये जो इक्वेशन है ना फोर एक्स तो आप यहाँ फोर देखो एक्स के जगह पर वो उसको रख दो क्यों क्योंकि ये लाइन को वो टच कर रहा है और अगर टच कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर चार इंटू दो हो चुका है माइनस हमारा सेवन और नीचे में आप किससे डिवाइड करोगे बताओ नीचे में आप किससे डिवाइड करने वाले हो यहाँ पर इनके इक्वेशन के साथ में डिवाइड करोगे या मेरे भाई वहां पर उनके इक्वेशन के साथ में डिवाइड करोगे ये आपका आठ हो चुका है और ये आपका नौ हो चुका है आठ और नौ सत्रह में से सात किया तो कितना आ जाना है ऊपर में दस लेकिन नीचे में क्या होता है तो नीचे में यहां पर और यहाँ पर के का स्क्वायर जो होगा वो मेरे भाई होगा ये इक्वेशन होता है ध्यान रखना है तो आठ और नौ सत्रह में से सात गया दस आ जाएगा तीन चार का ट्रिपलेट पांच बनेगा काट हो गया तो दो यूनिट आएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये सवाल देखो है ना ये महावाहियात सवाल है दिखने में इतना बड़ा है लेकिन इसके अंदर में कोई दम नहीं है मैं आपको तोड़ करके इसके सामने रख दूंगा भाई देख लेना ये क्वेश्चन शुरू यहाँ से खत्म यहाँ पे आपको डर लगेगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है देखो मैं पूरा समझाता हूँ असल में क्या है दो लोग हैं यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पर कौन है तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो राघव है देखो ए से लेकर के बी तक दो लोग जा रहे हैं ठीक है पहला व्यक्ति राघव है राघव क्या करता है अपने डिस्टेंस के चार टुकड़े करता है ठीक है जैसे मानो अगर राघव को यहां से यहां जाना है तो वो अपनी दूरी को कुल मिलाकर के चार भाग में बांट देता है तो मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ राघव की कहानी यहां पर क्या है तो राघव की कहानी ये है कि ये पूरा पूरा उसका डिस्टेंस है तो एक क्वार्टर दो क्वार्टर तीन क्वार्टर चार क्वार्टर यानी उसका डिस्टेंस हो गया मेरे भाई ये सारा सारा बराबर डिस्टेंस हो गया और हर एक दूरी को वो कितने गिरफ्तार से तय कर रहा है तो एक क्वार्टर को दस से अगले को पंद्रह से फिर बीस से और फिर तीस से ये मेरे भाई दस हो जाएगा फिर पंद्रह हो जाएगा फिर बीस हो जाएगा और फिर ये

तीसरा और चौथा चार घंटे लगे हैं तो एक एक घंटे एक घंटा यहाँ पर एक घंटा यहाँ पर एक घंटा यहाँ पर एक घंटा यहाँ पर समझ तो में आ रहा है बात ये हमारा टाइम हो गया एक घंटा वो दस के रफ्तार से फिर वो पंद्रह के रफ्तार से फिर वो बीस के रफ्तार से फिर वो तीस के रफ्तार से जब इसका एवरेज स्पीड आप निकालोगे तो यहाँ पर इसका एवरेज स्पीड कितना निकल करके आएगा तो बोला गया इसका एवरेज स्पीड वाई निकल करके आएगा और इसका निकालोगे तो कितना आएगा जेड आएगा क्वेश्चन में ये बोला गया जेड में से वाई घटाने पर हमारा कितना आएगा मैंने हमेशा जीवन भर एक बात आपको सिखाया भाई कि जो आपका अगर टाइम सेम है ना तो उसका भी रेशियो ले, ले लेते हैं और अगर डिस्टेंस सेम है ना तो उसका भी रेशियो ले, ले लेते हैं ये कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस है और ये कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम है यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा टाइम क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा डिस्टेंस क्या है क्या नहीं है तो डिस्टेंस वाले केस में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं तो इसको अभी बैच में डाल दूंगा क्यों क्योंकि मेरा एक टाइप है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करेगा जो मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में ठीक है तो यहाँ पर जब डिस्टेंस आपके सारे के सारे सेम होते हैं ना याद करो पार्क वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ से यहाँ दस से जा रहा है यहाँ से यहाँ बीस से यहाँ से यहाँ तीस से यहाँ से यहाँ चालीस से तो मैं बोलता हूँ एक एक डिस्टेंस को सब कैल्सियम ले लो ठीक है तो यहाँ पर 10, 15, 20, 30 सब कैल्सियम साठ होता है तो हर एक दूरी को 60 किलोमीटर मान लो तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला है भाई ठीक है अब यहां पर एवरेज स्पीड क्या होगा तो बोलोगे एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस साठ 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 तो यानी कितना हो जाएगा चार इंटू अपॉन में मेरे भाई टोटल टाइम तो टोटल टाइम कितना होगा दस से काटोगे तो छह बार में पंद्रह से काटोगे चार बार में बीस से काटोगे तीन बार में और ये हमारा इतना हो जाएगा ये कुल मिलाकर के कितना होगा तो बोलोगे सर ये दो सौ चालीस और छह चार दस और ये हमारा पंद्रह अगर हम काटेंगे तो पंद्रह से आपका कितनी बार में एक बार में और ये छह बार में ठीक है ये हमारा हो गया यहां पर किसका वैल्यू तो ये मेरे भाई वाई का मान हो चुका है वाई की वैल्यू कितनी हो चुकी है तो सोलह यहां पर हमारा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं स्पीड इंटू टाइम दस इंटू एंटू एस इंटू एस इंटू ए और अपॉन में टोटल टाइम कितना होगा तो चार घंटे ये हो जाएगा तीस बीस पचास साठ सत्तर पिछहत्तर पिछहत्तर बटे चार पिचहत्तर का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा तो बोलोगे साढ़े सैंतीस और साढ़े सैंतीस का भी आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर अठारह पॉइंट सात पांच हो जाएगा ठीक है अब इनका जो गैप है वो मेरे भाई कितने का आएगा टू पॉइंट सेवन फाइव का ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है तो ऐसे सवालों में कुछ होता नहीं है बस खाव खा आप लोग डर जाते हैं परेशान हो जाते हैं ऐसा कुछ भी करने की मेरे भाई कोई भी आवश्यकता नहीं है दूर दूर तक तो कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है आ ये क्वेश्चन था बहुत ही डरावना पता नहीं बच्चों को क्या इसमें डर आया कि सिर्फ बीस परसेंट बच्चे सही कर पाए कुछ नहीं करना था भैया से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा वन प्लस मेरे भाई टेन हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो ये मेरे भाई वन माइनस टेन तेरा हो जाएगा और जब भी यहाँ पर ऐसा होता है वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा तो ये मेरे भाई बराबर होता है किसके तो बराबर होता है टेन पैंतालीस और प्लस मेरे भाई थीटा के यानी होगा खेल खत्म भाई

अब मेरे साथ में चैलेंज ये है कि ये संख्या को मुझे 12 से काटना है 12 से काटने का मतलब ये तीन से भी कटनी चाहिए और चार से भी कटनी चाहिए तो ये संख्या तीन से हमारी कट रही है देखो नौ कट रही है आठ एक नौ कट रही है और यहाँ पर मेरे भाई सात और तीन दस तो यहाँ पर ये समझ लो दस में बी और सी को जोड़ने पर यह दोस्त यहाँ पर तीन से कटना चाहिए ठीक है अब उसके बाद में यह बोला गया है कि तुम्हारा जो ये लास्ट देखो ये चार से भी। तीन का नियम लगा चुके हो तीन से जो कटने थे काट दिए जो नहीं कटे उसका अलग से लिख दिए अब चार का नियम लगाओगे चार का नियम का मतलब आखिरी के दो अंक आखिरी के दो अंक अगर आपको काटना है मेरे भाई तो आखिरी के दो अंक काटना है तो यहां पर ये चार से सी की वैल्यू दो लेनी पड़ेगी अगर सी की वैल्यू मैं मेरे भाई दो लेता हूं अगर सी की वैल्यू भाई दो लेता हूं मैं तो ऐसे मान के चलो कि मैं बी की वैल्यू को इससे कम ले सकता हूं लेकिन इससे ज्यादा नहीं तो यहां पर अगर मैं बी की वैल्यू को वन लूंगा तो दस दो बारह और एक तेरह तीन से नहीं कटेगा अगर मैं बी की वैल्यू को मेरे भाई जीरो लूंगा तो दस दो बारह और जीरो मेरे भाई कट हो जाएगा लेकिन जीरो हम नहीं ले सकते हैं क्यों क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है एंड जीरो इज नॉट द पॉजिटिव वैल्यू यानी बात हमारी दो पर नहीं बनेगी और बात हमारी दो पर नहीं बनेगी तो फिर बानवे के बाद अगला छानवे होता है छानवे के लिए मुझे सी को इतना लेना पड़ेगा अब सी को इतना लेना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो मैं चाहता हूँ कि ये छोटा से छोटा हो जाए मेरे भाई और ये बड़ा से बड़ा हो जाए ठीक है तो इससे थोड़ा सा एक अंक छोटा यानी पाँच लेता हूँ पांच लेकर के देखता हूं कि क्या तीनों को जोड़ने पर तीन से कट रहा है दस पांच पंद्रह और छ इक्कीस बिल्कुल कट रहा है तो यहाँ सी माइनस बी छ माइनस पांच कितना आएगा एक आएगा खेल खत्म भाई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 से जरा देखिए यहां पर प्रतिशत का बड़ा प्यारा सवाल कहा गया है यहां पर पढ़िए ए का जो इनकम है वो 125 परसेंट है बी के इनकम के बी का जो सेविंग है वो इतना परसेंट है ए के फिर उसके बाद बोला गया यहां पर एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इतना परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए तो यहां बी का जो सेविंग है वो अपने ही एक्सपेंस का कितना परसेंट है अगर हम दो लोगों की यहां पर बात करते हैं तो ए हो जाता है और हमारा बी हो जाता है एक तरफ इंसान खर्च करता है दूसरी तरफ बचाता है और दोनों को जोड़ देते हैं तो वो उसका इनकम बन के चला आता है अगर हम सवाल की बात करते हैं तो बोला

काटो तो पांच बार में और यहां पर 120 को काटो छह बार में फिर कहा गया एक्सपेंडिचर ऑफ बी 75% परसेंट ऑफ ए यानी यहां पर बी का जो सेवेंट मतलब यहां पर है कि बी का जो खर्चा है एक का पचहत्तर परसेंट है यानी अगर ये चार है तो ये हमारा तीन है इसको हम एक्स बोलते हैं ये एक्स हो जाएगा ये वाई हो गया तो ये वाई हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर ही तो ये निकल करके आ रहा है ना भाई तो बस यहां पर यह कह दो कि सर फोर एक्स प्लस फाइव वाई और डिवाइडेड बाई यहां पर तीन एक्स प्लस मेरे भाई यहां पर छः वाई और ये बराबर हो जाएगा पांच बटे में चार के क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो भाई सोलह एक्स हो गया प्लस यहां पर बीस वाई हो गया और यहां पर पंद्रह एक्स हो गया और मेरे भाई यहां पर तीस वाई हो गया खेल खेलो थोड़ा में से घटाओ तो इतना आ जाएगा बस आपका मेरे भाई काम खत्म एक्स की वैल्यू दस होगी तो यानी इसका मान चालीस होगा और इसका मान आपका तीस होगा और इसकी वैल्यू वन आनी है तो इसका मान पांच होगा इसका मान छह होगा क्वेश्चन में यहां पर बोला गया हाउ मच बी सेविंग परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर तो ये छह हमारा तीस का कितना परसेंट है तो छह बटे तीस यानी एक बटे पांच एक बटे पांच कितना होता है बीस परसेंट होता है ठीक है आज ये मेरे भाई बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूं भाई आप देखो वक्त हमारा कितना हो रहा है रात के मेरे भाई सवा दो हो रहा है ठीक है पांच सितंबर रात के सवा दो बजे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं तो बस बढ़िया से आप लोग अपने पेपर की तैयारी करिएगा पर ये पूरे नंबर लेकर के आने है आप लोगों को एक सिंगल पैसा भी कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ना है और मेस के लिए तो हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ये हम आपसे पहले कह चुके हैं ठीक है, है बारह बजे से उठ करके हम नोटिफिकेशन की वीडियो नहीं बनाते हैं मेरे दोस्त क्योंकि सोना ही अपना दो तीन बजे का रहता है बस ये वाली बात है ठीक है चलिए आ जाइए यहाँ पर पहले भी सीपीओ के लिए काफ़ी सारे सेट्स रिकॉर्ड करके मैंने दिए हुए हैं बच्चों को और अब आपका सीजीएल का हो गया ये क्वेश्चन मैंने आज ही यूट्यूब के ऊपर में मैंसुरेशन वाले में मैंने कराया हुआ है यहाँ पर और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कहा गया कि दो सर्कल जिसकी रेडियस साथ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से कि कॉमन कोड की भी लंबाई साथ है तो यहाँ पर बोला गया इंटरसेक्शन वाला एरिया का एरिया कितना होगा यानी यहां पर ये एक सर्कल है और यहाँ पर ये दूसरा सर्कल है और ये दोनों के दोनों यहां पर क्या करते हैं तो दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर इंटरसेकट करते हैं पहले वाले की भी रेडियस हमारी साथ है तो हम इसे साथ बना देंगे और ये हमारा साथ है तो बना देंगे और फिर उसके

तो जब मैं ये पूरे सेक्टर का एरिया लूँगा तो मैं क्या लूँगा मेरे भाई ये पूरा पूरा हरा वाला भाग लूँगा भाई मैं ये पूरा का पूरा क्या लूँगा पूरा हरा वाला भाग लूँगा यानी जब सेक्टर की एरिया हम लोग लेते हैं तो सेक्टर की एरिया लेने का मतलब क्या होता है तो सेक्टर की एरिया लेने का मतलब ये पूरा एरिया लेना होता है और उसमें से जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर किसे घटाऊंगा जरा बताना तो उसमें से मैं मेरे भाई ये ट्रायंगल को घटा दूंगा तो सिर्फ ये छिलका का पार्ट बच जाएगा हमारे पास में तो उसमें से जब मैं घटाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ट्रायंगल घटाऊंगा तो इससे मेरा यहाँ पर ये वाला पार्ट मिल करके बच जाएगा ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा और जब ये पार्ट आ जाएगा तो मैं उसी का डबल कर दूंगा ना तो उसी का जब मैं डबल कर दूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर मेरा ये वाला विभाग बन के निकल करके चला आएगा समझ गया उसी का मुझे क्या करना होगा तो डबल करना होगा अब बात आती है सेक्टर में एंगल कितने का बनेगा तो आप यहाँ पर बोलोगे सर सात 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 है तो यहाँ पर साठ डिग्री होगा कितना होगा यहाँ पर तो सिक्सटी डिग्री जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा अब अगर हम साठ डिग्री की बात कर रहे हैं तो सेक्टर का एरिया हमारा कितना होता है तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर अगर तीन का मान है तो साठ का निकालने के लिए छह से गुना करिए और ये हमारा एक इक्विलिटल ट्राइंगल बनी चुका है तो रूट थ्री बाई फोर इंटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी मेरे भाई आर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है आप अगर मेरे भाई यहां पर 60 डिग्री है ये 60 डिग्री का ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर अगर इतना है तो 60 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा तो आपका छह बार में आर की वैल्यू जरा देखो ना आर का वैल्यू कितना है तो बोलोगे सर देखो आर स्क्वायर तो कॉमन ले लो आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये पाई बाई सिक्स हो जाएगा और यहां पर रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा आर का अगर मान देखोगे तो तुम्हारे पास में कितना है सात है

आइए चलिए एज हम आपको काफी बड़ा पढ़ा चुके हैं और यहाँ पर एज का एक प्यारा सा क्वेश्चन है देखिए सवाल में कितना प्यारा क्वेश्चन क्या कहा गया है बोला गया राम 20 साल ओल्डर है मेरे भाई राहुल से तो ये हमारा राम है मेरे भाई यहाँ पर और ये हमारा राहुल है और ये इससे कितना साल बड़ा है तो ये इससे बीस साल बड़ा है अब क्वेश्चन में एन ईयर अगो थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल तो एन साल पहले एन साल पहले राम जो होगा मेरे भाई वो तीन गुना होगा इसके तो अगर हम बात करते हैं ये अगर एक होगा तो ये कितना होगा तीन होगा उसके बाद में टू एन ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ से कितने साल के बाद में तो बोलोगे सर टू एन साल के बाद में राम जो होगा मेरे भाई वो यहाँ पर पंद्रह और ग्यारह के रेशो में हमारा होने वाला है कोई भी किसी भी गैप में क्यों ना हो जाए उसका जो गैप होता है वो सेम होता है किसी भी रेशियो में क्यों ना हो जाए गैप सेम होना जरूरी है तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्त यहाँ पर गैप को लेकर के तो गैप को लेकर के अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई समझना यहाँ पर मिसिंग है ना रेशियो थ्राइस हो गया मेरे भाई ये तीन था मिस हो गया तो जो गैप होगा वो हमारा सेम होगा अगर गैप सेम होगा तो यहाँ पर हमारा चार का गैप है तो यहाँ पर भी चार का गैप बनाना है फिलहाल यहाँ गैप दो का है तो दो से मल्टीप्लाई करो दो से मल्टीप्लाई करोगे तो चार और चार बराबर हो जाएगा तो दो से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा और दो से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है भाई अब समझ गए मेरी बात को लेकर के किसी व्यक्ति को वहां से चल करके यहाँ तक आना है एन और एन मेरे भाई कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा तो तीन यूनिट चल करके आपको आना पड़ेगा कितना यूनिट चल करके आना पड़ेगा तो बोलोगे सर तीन यूनिट चल करके आना पड़ेगा गैप हमेशा चार का होता है गैप हमेशा मेरे भाई चार का होता है तो ये भी आपका कितना होगा तो ये भी आपका चार का ही मान होगा चार यूनिट का मान होगा क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर एन का मान पूछा गया है एन का मान कितना है तो आप देखिए जरा यहाँ पर समझिए मेरी बात को लेकर के आप यहाँ पर कितना यूनिट है तीन यूनिट है और ये हमारा कितना है मेरे भाई ग्यारह है यानी आप में बढ़त कितने की हुई है तो आप बोलोगे सर सॉरी दो यूनिट है और ग्यारह है यानी बढ़त हुई है मेरे भाई नौ यूनिट की बढ़त हुई है कितने की तो 9 यूनिट की 9 यूनिट को तीन टुकड़ों में बांट दीजिए तो एक यूनिट का मान हो जाएगा तीन समझ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर ये यह 9 आप बढ़े हैं तो 9 आप बढ़े हैं तो 9 को यहाँ पर तीन टुकड़ों में बांटना है तो तीन टुकड़ों में बांटना है तो तीन यहाँ पर आ जाएगा 6 यहां पर आ जाएगा 4 का 5 गुना 20 है 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा खेल खत्म समझ गए यहाँ से आपको नौ यूनिट बढ़ना है और उस नौ के तीन टुकड़े करने हैं तीन टुकड़े नौ के बराबर एक टुकड़ा तीन के बराबर एक टुकड़ा तीन के बराबर दो टुकड़ा छह के बराबर चार का मान बीस है तीन का मान पंद्रह होगा। खेल का जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है आपका क्वेश्चन में कहा गया कि हल्का सवाल है 3 5 7 से भाग करना इधर करो जो रिमाइंडर तुम्हारा आएगा यहां पर तो 2 1 और 3 मेरे भाई यहां पर लिखो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहां पर होता है इधर मेरे भाई क्या करते हैं तो अपन इधर गुणा करते हैं और यहां पर भाई क्या करेंगे तो यहां पर सारे के प्लस करेंगे बात खत्म कौन सा है? प्यार है ठीक है समझ के बात को लेकर जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अब इतने सवाल हम करा चुके हैं ना तो एक क्वेश्चन तो मेरा आपको देना बनता है करो भैया कैलकुलेशन तुम जितना कर सकते हो एक सवाल तो करो तभी तो पता चलेगा ना भैया सवाल का मजा है यहाँ पे ठीक है तो अपने तरफ से यार मुझे पूरे तीन चार दिन लगे सारे क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट करने में निकालने में सारा का सारा यहाँ पे और अभी रात के लगभग ढाई बज चुके हैं हम लोग यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे सारा खत्म हो गया पूरा का पूरा अब उम्मीद है कि सुबह आप लोगों को बहुत ही तरीके से तहजीब से ये पूरी वीडियो मिल जाएगी तो आपको सबसे पहला धर्म क्या बनता है अगर आपका भाई इतना आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो सबसे पहला धर्म बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना शेयर करना लोगों के बीच में बताना यहाँ पर ठीक है और इससे रूप से अपना फायदा उठाना और कोई भी जो भी आपका जो है 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 ना मेरे भाई आभार है, सपोर्ट है, प्यार है कोई डाउट है कुछ भी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना मेरे भाई हम सारा कमेंट आप लोगों का जरूर पढ़ते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले सेट में ठीक है ध्यान रखिए खुश रहिए मस्त रहिए ठीक है खुश रहिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू